नमस्ते दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार सरकार और आप देख रहे हैं टेक्निक रास्ता। दोस्तों, ये जो कैमकोडर है पैनासोनिक का ACV180 सीरीज़ का जो कैमकोडर है, ये काफ़ी अच्छा कैमकोडर है। इस कैमकोडर में आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इस कैमकोडर में आप एक्सटर्नल माइक इसमें अटैच कर सकते हैं। ये जो पैनासोनिक का कैमकोडर है, इससे मैंने काफ़ी वीडियो शूट किया है। ये काफ़ी अच्छा कैमकोडर है और काफ़ी दूर तक ये जूम कर सकता है। आप अगर इसका पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो आई लिंक में क्लिक करके इसका पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। इस कैमकॉर्डर में मुझे दो चीज़ अच्छा नहीं लगा। एक है आपका, इसमें आप एक्सटर्नल माइक नहीं लगा सकते हैं। दूसरा, इसका लो लाइट कंडीशन में इसका जो वीडियो क्वालिटी है वो इतना अच्छा नहीं आता है। इसमें कंपनी अगर एक्सटर्नल माइक लगाने का पोर्ट दिया जाता तो काफ़ी बेहतर होता। इसमें देखिए, एक बटन भी बना हुआ है लेकिन इसमें होल नहीं है। यहाँ पे जो 3.5 mm का जो फीमेल पोर्ट दिया गया है, इसमें सिर्फ AV लिखा हुआ है, मतलब ऑडियो वीडियो आउट पोर्ट है ये, लेकिन इसमें आपको माइक इन के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आज का जो वीडियो है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि इस कैमकॉर्डर में आप कैसे एक माइक्रोफोन का पोर्ट बना सकते हैं। तो ये जो कैमकॉर्डर है, इसमें आप माइक्रोफोन लगाने के लिए इस कैमकॉर्डर को आपको खोलना पड़ेगा। इस कैमकॉर्डर में जितना भी स्क्रू है सबको खोलने की ज़रूरत नहीं है। जो माइक है वो एक्चुअली फ्रंट साइड में है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो दोनों माइक को पैरेलली कनेक्ट करके एक ही पोर्ट में कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे आपका सर्किट है, जो सर्किट बोर्ड है इस तरफ से खुलेगा। यहाँ पे जो स्क्रू है, ये सब स्क्रू आपको खोलना पड़ेगा। नीचे का तरफ भी आपको 3 स्क्रू मिलेंगे, इसको भी खोलना पड़ेगा। अगर मेमोरी कार्ड लगा हुआ है तो उसको भी निकाल के रखना पड़ेगा और बैटरी को भी आपको खोल के रखना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप मेरे वीडियो को देख के आप चाहे तो आप खुद कीजिए, या तो आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान में जाके मेरे वीडियो को दिखाइए, वो खुद आपको ये पोर्ट निकाल के दे देगा। या तो आप अगर इसमें से केबल निकाल के बाहर की तरफ रखें तो सबसे ज़्यादा इजी है, तो वो आप कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस कैमकॉर्डर को खोल के मैं इसमें एक एक्सटर्नल 3.5 mm का माइक पोर्ट अटैच करता हूँ। मुझे खोलना है राइट साइड का, ऐसा है तो मुझे राइट साइड का खोलना है। तो मैं इस तरफ से खुलना स्टार्ट करूंगा। स्क्रू कहीं पे भी रहना नहीं चाहिए। और यहाँ पे और एक स्क्रू है, देखिए। ये देखिए, ये अभी निकलना स्टार्ट हो गया। अभी इसको चलेगा, नीचे का पट तो आ गया है, ये देखिए, ये नीचे का पार्ट निकल गया। यही है आपका माइक्रोफोन का केबल, ये देखिए, ये पार्ट निकल चुका है। तो मुझे इसमें क्लीन भी करना है, थोड़ा बहुत हवा मार के मैं इसको क्लीन करूँगा। अभी ये जो केबल आया है, ये केबल आपका जाके यहाँ पे दो माइक्रोफोन है, इस माइक्रोफोन के साथ कनेक्टेड है। इस केबल का अगर मैं निकलता हूँ तो ये देखिए निकल चुका है। यही आपका माइक्रोफोन का केबल। पूरा कैमरा का स्क्रू आपको खोलने का ज़रूरत भी नहीं है, ये देखिए। आपको सिर्फ नीचे का, मैंने ए प्लेट पहले निकाला ऐसे करके था, और उसके बाद ए प्लेट निकाला। अभी ये जो होल है, इसी होल में मैं
3.5 mm का जो पोर्ट है उसको मैं लगाऊंगा, किस एरिया में पड़ता है ये, इस जगह में, तो इस जगह में ये आता है, तो मैं इसको मार्किंग कर लेता हूँ। इस जगह में ये जो माइक्रोफोन का केबल है इसको अगर निकाल देता हूँ और यहाँ पे यहाँ से मैं अगर और इस सर्किट से अगर मैं तीन कनेक्शन ले लेता हूँ, जो आपका TRS कनेक्शन है, ये भी आपका TRS कनेक्शन है, तो ये माइक्रोफोन को मैं अगर पैरेलल लगाता हूँ तो ये भी माइक काम करेगा, और मैं जो लेवलियर माइक लगाऊंगा वो भी काम करेगा, जो एक्सटर्नल लेवलियर माइक लगाऊंगा वो भी काम करेगा। तो मुझे दो माइक तो यह काम मिलेगा ही मिलेगा, साथ में मुझे लेवलियर माइक भी मिलेगा। अगर ये दो माइक पैरेलली काम करेगा तो नॉइज़ या तो एम्बियन साउंड जो उसका आसपास का साउंड है वो भी आपका सुनाई देगा। तो क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ से 3.5 mm पोर्ट में ले लूँगा, तो इसके लिए आपको इस तरह का फीमेल पोर्ट जो है वो चाहिए। ये देखिए इसमें दो दो करके पॉइंट है, ये आपका हो गया टी, मतलब ये जो कनेक्शन है ये टॉप में रहेगा, ये रिंग है जो TR और ये S से, जो S जो है वो ग्राउंड में है, ये TRS, इसमें दो दो पॉइंट है, ये टी पॉइंट इस टी पॉइंट को कनेक्ट करके रखा हुआ है, अगर मैं जैक को घुसा देता हूँ तो इस पॉइंट को ये आउट कर देगा। तो ऐसे ही ये आर पॉइंट जो है, ये आर पॉइंट इस आर पॉइंट को कनेक्ट करके रखा है, इसमें अगर मैं 3.5 mm का जैक इंसर्ट कर देता हूँ तो ये जो पॉइंट है इसको ये आउट कर देगा, और ये तो कॉमन है। तो ये जो पोर्ट है ये छोटा है, लेकिन इसमें आपको दो दो पॉइंट नहीं दिया गया है, TR और इसमें दिया गया S। अगर ये लगाएंगे तो आपका कैमकोडर का माइक भी चलता रहेगा, और इसमें अगर आप माइक इंसर्ट करेंगे वो भी चलता रहेगा, मतलब इसमें दोनों पैरेलली चलता रहेगा। तो ये मुझे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मैं अगर माइक लगाऊँ, लेवलियर माइक या तो कोई भी माइक लगाऊँ, कैमकोडर का जो माइक है वो ऑफ हो जाए, तो इसीलिए मैं ये पोर्ट को लगाऊँगा। ये मैंने एक ड्राइंग बना के रखा हूँ, ये कैमकोडर है, दोनों तरफ माइक है, ठीक है। माइक का जो केबल है इस तरह से कनेक्टेड है, दो माइक में दो पॉइंट होता है, और इस माइक में भी दो पॉइंट, इस माइक में भी दो पॉइंट, तो एक पॉइंट को कॉमन कर दिया है, और उसी कॉमन से बीच में एक वायर ले लिया है, और दूसरे माइक से एक यहाँ से और एक यहाँ से कर दिया है, मतलब चार केबल निकालना चाहिए था, यहाँ से तीन केबल निकल के आ चुका है, मतलब एक केबल को कॉमन करके रखा है। जो कॉमन करके रखा है वो है आपका S, मतलब ये लेफ्ट वाला हो गया T, राइट वाला हो गया R, और बीच वाला हो गया S। मैंने ड्राइंग बना के रखा है, ये देखिए दोनों माइक है कैमरा का दोनों तरफ, एक माइक को कॉमन कर दिया है, बीच से लेके आया, और लेफ्ट वाले को, और यहाँ पे मैंने ये वाला रखा है। देखिए यहाँ पे दो कनेक्शन है, तो कौन सा कनेक्शन देना है मुझे, ये वाला कनेक्शन को, तो मुझे ये जो कनेक्शन है ये कनेक्शन है, ये चला गया आर में, मतलब राइट साइड का जो माइक है उसमें चला गया, मतलब ये जाएगा कैमरे का तरफ, और ये जाएगा आपका जो साइड से आया है वो चला जाएगा आपका कैमरा के सर्किट के तरफ। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए मैं कैसे करता हूँ। अभी देखिए मैंने इसको ऐसे बना के रखा हूँ, केबल लगाया हूँ, ये जो ये आपका टी हो गया, टी को मैं यहाँ से दिया हूँ और यहाँ से, और ये जो आर है, आर को मैंने, ये आर यहाँ पे गए, इस पॉइंट में आया है, इस पॉइंट से जेके यहाँ से आके इसके नीचे से यहाँ पे इस साइड में दे दिया हूँ, और ये कॉमन है तो कॉमन को भी मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। तो अभी मुझे क्या करना है, मैं इसको इस पॉइंट में कनेक्शन कर दूंगा। ये देखिए मैंने इसको इस पॉइंट में कनेक्शन कर दिया, अब ये माइक काम करेगा, एक्सटर्नल माइक। तो मैं चाहता हूँ कि ये माइक ऑटो कट हो जाए, इस तीनों केबल को मुझे यहाँ पे अटैच करना है,
यहाँ पे लगाना है, तो आप चाहे तो इसको यहाँ पे भी सोल्डर कर सकते हैं, लेकिन ये इतना पतला है और इतना हीट भी सहन नहीं कर पाता है, तो इसको करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। ऐसे करके ये बीच में करना पड़ेगा, और ये इस तरफ और ये इस तरफ। इस तरह का जो केबल है इसको काट के मैंने बनाया है, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप में मिल जाएंगे। ऐसे करके बना के मैंने काट दिया है। ये जो केबल है ये काफ़ी पतला वाला केबल है, ये आपको पुराने हेडफोन से मैंने निकाला है। ये जो हेडफोन का जैक था TRRS वाला, इसमें से मैंने ये केबल काट के निकाला हूँ। टेप लगा दूंगा, ये केबल अगर टच भी हो जाता है तो अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये केबल का ऊपर में इंसुलेशन दिया हुआ है, जो लाइनन का इंसुलेशन इसमें दिया गया है। तो ये एक्चुअली जो केबल है एक साथ लगा ही रहता है, यहाँ पे जो केबल था इसमें ये केबल लगा ही रहता है इसके अंदर में, तो कोई इशू नहीं है लगा रहने से। अभी फिर भी मैं यहाँ पे एक टेप लगा दूंगा, ताकि ये कनेक्शन जो है काफ़ी मुश्किल से मैंने इस कनेक्शन को जोड़ा है, तो ये यहाँ पे एक टेप लगा दूंगा कि ये टूट ना जाए कनेक्शन। तो आप अगर इस माइक को खोलना चाहते हैं तो फिर इसको खोलना पड़ेगा। इसमें ये स्क्रू का साथ ये जो बॉडी है, ये बॉडी का हाउसिंग इसका साथ कनेक्टेड है, तो ये स्क्रू भी खोलना पड़ेगा, तो LCD निकल के आ जाएगा। तो मैं इसी को यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन कर लूँगा, तो इस तरह मैं क्लोज कर देता हूँ। तो अभी मैं एक बार टेस्ट करके देखता हूँ ये काम कर रहा है कि नहीं। ये है आपका श्योर कंपनी का एक माइक्रोफोन है, लगभग इसका जो प्राइस है ये 5000 समथिंग है। ये आपका TRRS में है। तो माइक्रोफोन का रिव्यू आपको जल्दी ही एक मिलने वाला है, तो ये TRRS में, तो मैं इसको TRS में कन्वर्ट करूँगा। अभी मैं ये देखिए कैमरा का जो माइक्रोफोन है वो मैंने निकल चुका हूँ, उससे रिकॉर्डिंग होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। अभी इससे रिकॉर्डिंग होता है कि नहीं वो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। रिकॉर्ड बटन को एक बार दबा देता हूँ, ये रिकॉर्ड बटन है। अभी देखिए रिकॉर्ड बटन स्टार्ट हो चुका है, अभी ये रिकॉर्डिंग अच्छे से कट लेगा। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो। चलिए एक बार चेक करके देखते हैं ये रिकॉर्ड हुआ है या नहीं। तो ये देखिए ये रिकॉर्ड हो चुका है। तो इसमें मैं अभी इसमें मैं रोड वायरलेस गो को भी अटैच करके देता हूँ। अभी आप रोड वायरलेस गो से मेरा साउंड सुन रहे हैं। जो रिसीवर है वो कैमरा के ऊपर में लगा हुआ है, जो मैंने खोल दिया है, ये रिसीवर है। तो इसको मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। फिर से मैं रिकॉर्डिंग दे देता हूँ। तो अभी आप जो साउंड सुन रहे हैं, ये साउंड जो है, तो अभी आप जो साउंड सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है आपका ट्रांसमीटर से। तो यहाँ पे देखिए ये काम कर रहा है कि नहीं, ये देखिए अच्छे से काम कर रहा है। तो अभी इस रिकॉर्ड को, तो इस रिकॉर्डिंग को भी मैं आपको एक बार सुना के दिखाऊंगा। खुला हुआ है तो मैंने ग्लव्स पहना है, तो इस तरफ एक्चुअली आदमी का जो स्टैटिक चार्ज है वो सर्किट में डायरेक्टली टच नहीं होना चाहिए। आपका जो ये सर्किट है कैमकोडर का, ये सोफिस्टिकेटेड होता है, तो इसमें स्टैटिक चार्ज की वजह से आपका जो कैमकोडर का सर्किट है ये डैमेज भी हो सकता है। तो एक्चुअली आदमी का जो स्टैटिक चार्ज है वो सर्किट में डायरेक्टली टच नहीं होना चाहिए, ताकि आपका जो
आपका जो ये सर्किट है कैमकोडर का, ये सोफिस्टिकेटेड रहता है, तो इसमें स्टेटिक चार्ज के वजह से आपका जो कैमकोडर का सर्किट है ये डैमेज भी हो सकता है। तो देखिए ये अच्छे से काम कर रहा है, अभी मुझे ये कनेक्शन को इसमें लगाना है। दोस्तों कैमकॉर्डर में मैंने 3.5 mm का फीमेल जैक मैंने लगा दिया है, ये देखिए इस तरह मैंने इसको बिठाया है। ये जो है माइक से जो वायर निकला है उस वायर को मैंने कनेक्ट करके ये जो 3.5 mm का फीमेल जैक है इसमें लगा दिया है, और दूसरा पॉइंट जो है वो मैंने कैमकॉर्डर का जो ओरिजिनल सर्किट बोर्ड है उसमें मैंने इंसर्ट कर दिया है। तो मैंने इसको चेक करके देखा है ये सही चल रहा है। अगर मैं माइक यहाँ से निकाल देता हूँ तो इसका जो इंटरनल माइक है वो काम करता रहेगा, और अगर मैं माइक को डाल देता हूँ तो एक्सटर्नल माइक काम करता रहेगा। तो मैंने एक होल किया है यहाँ पे, होल थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, इसीलिए मैं एक छोटा सा रिंग बिठाने वाला हूँ जो रबर बेस है, इसको मैं यहाँ पे ऐसा करके बिठा दूँगा, बिठा दिया ताकि इसका जो एक्स्ट्रा होल है कोई गंदा इसमें ना आ सके। यहाँ पे मैं कोई एडसिव वगैरह लगा दूंगा तो ये इसका साथ चिपका रहेगा। तो चलिए इसको फिट कर लेते हैं। अभी इसको मैं ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को यहाँ पे मैं पहले इंसर्ट कर लेता हूँ, उसके बाद इसको यहाँ से इसको मैं अंदर में डालना चाहिए था, इसको अंदर में डाल दिया मैंने, अभी मैं इसको यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ। ये देखिए अभी यहाँ से गंदा अंदर में नहीं जाएगा, और इसको भी मैं लगा देता हूँ। उसके बाद इसका जो स्क्रू है वो मैं टाइट कर दूंगा। तो ये लग गया है। अभी देखिए मैं अगर माइक इसमें इंसर्ट करता हूँ तो आराम से ये माइक इंसर्ट हो जाता है। तो चलिए टेस्ट करके भी दिखाऊंगा, पहले इसका जो स्क्रू है वो लगा देते हैं। स्क्रू सभी एक ही साइज का है, कहीं पे भी लगाइए कोई इशू नहीं है। चलिए ये फिट हो गया, शटर में भी कुछ इशू नहीं आ रहा है। चलिए अभी इसमें मेमोरी कार्ड है कि नहीं लगा देता हूँ, हाँ मेमोरी कार्ड इंसर्टेड है, बैटरी लगा देता हूँ, कोई इशू नहीं आ रहा है। अभी इसमें पावर ऑन कर देता हूँ, तो ये पावर ऑन हो चुका है। चलिए इसका माइक को भी टेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी जो आप साउंड सुन रहे हैं ये रोड ओएलएस गो का साउंड है। रोड ओएलएस गो का जो रिसीवर है वो मैंने कैमकॉर्डर के साथ कनेक्ट कर लिया है, और इसका जो ट्रांसमीटर है वो मेरा टी शर्ट में मैंने क्लिपिंग कर दिया है। तो ये साउंड आपको शायद सुनाई दे रहा होगा। अभी मैं इस रोड ओएलएस गो का जो माइक्रोफोन है इसमें मैं और एक लेवलियर माइक्रोफोन को ऐड करने जा रहा हूँ, वो है आपका सोनी ECM CS3। इसको मैं इसमें लगा देता हूँ और इसको भी मैं इसमें क्लिप कर देता हूँ। अभी जो आप साउंड सुन रहे हैं ये आपका सोनी ECM CS3 के थ्रू से सुन रहे हैं, वो मैंने रोड ओएलएस गो में कनेक्ट कर लिया है। तो आपको शायद मेरा ये साउंड सुनाई दे रहा होगा अच्छे से। तो चलिए अभी मैं कैमकॉर्डर में जो रोड ओएलएस गो का जो रिसीवर लगाया है उसको खोल देता हूँ, फिर आप जो साउंड सुनेंगे वो आप कैमरा के इनबिल्ट माइक से सुनेंगे। अभी मैं रोड ओएलएस गो का जो माइक्रोफोन है वो मैंने कैमरे से आउट कर दिया है। अभी आप जो साउंड सुन रहे हैं वो डायरेक्ट कैमरे के माइक्रोफोन से सुन रहे हैं। फिर से मैं इसको लगा देता हूँ, फिर से मैं रोड वायरलेस गो को इसके साथ कनेक्ट कर लिया हूँ, और इसमें देखिए मैं। तो दोस्तों अभी आप जो साउंड सुन रहे हैं ये आप सोनी ECM CS3 लेवलियर स्टीरियो माइक्रोफोन से थ्रू से सुन रहे हैं, और ये जो लेवलियर माइक्रोफोन है ये मैंने रोड के साथ कनेक्ट किया है, तो आपको साउंड अच्छे से सुनाई दे रहा होगा। दोस्तों मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसने जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।